एशियाई जल मॉनिटर, जिसे वैज्ञानिक रूप से वेनस साल्वेटर के नाम से जाना जाता है, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की मूल निवासी एक बड़ी वेनेट छिपकली है। यह एशिया में सबसे आम मॉनिटर छिपकलियों में से एक है। तटीय पूर्वोत्तर भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका। मुख्य भूमि दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिणी चीन से लेकर इंडोनेशियाई द्वीपों तक, जहां ये पानी के करीब रहती है। इसे IUCN रेड लिस्ट में सबसे कम चिंताजनक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। सामान्य नाम वरानस, अरबी शब्द वारल से लिया गया है, जिसका अर्थ है मॉनिटर। विशिष्ट नाम उद्धारकर्ता के लिए लैटिन शब्द है, जो संभावित धार्मिक अर्थ को दर्शाता है। वाटर मॉनिटर मॉनिटर छिपकली की एक बड़ी प्रजाति है। पुरुषों के लिए प्रजनन परिपक्वता तब प्राप्त होती है जब वे अपेक्षाकृत मामूली 40 सेमी यानी 16 इंच लंबे होते हैं और उनका वजन 1 किलोग्राम यानी 2.2 पाउंड होता है, और महिलाओं के लिए 50 सेमी यानी 20 इंच होता है। हालांकि वे पूरे जीवन भर बड़े होते हैं, पुरुषों के साथ महिलाओं से बड़ा होना। कोमोडो ड्रैगन के बाद वे दुनिया की दूसरी सबसे भारी छिपकली हैं। उनका शरीर मांसल, लंबी, शक्तिशाली, पार्श्व रूप से संकुचित पूंछ वाला होता है। इस प्रजाति के तराजू उल्टे होते हैं। ये देखा गया है कि सिर के ऊपर पाए जाने वाले शल्क पीछे की ओर स्थित शल्कों की तुलना में बड़े होते हैं। वाटर मॉनिटर को अक्सर उनके गहरे भूरे या काले रंग से परिभाषित किया जाता है और उनके नीचे पीले धब्बे पाए जाते हैं। ये पीले निशान उम्र के साथ धीरे धीरे गायब होने की प्रवृत्ति रखते हैं। इस प्रजाति को प्रत्येक आंख से पीछे की ओर फैली हुई पीले किनारों वाली काली पट्टी द्वारा भी दर्शाया जाता है। इन मॉनिटरों की गर्दन बहुत लंबी और थूथन लंबी होती है। वे शिकार और बचाव दोनों के लिए अपने शक्तिशाली जबड़ों, दांतेदार दांतों और नुकीले पंजों का उपयोग करते हैं। कैद में एशियाई जल मॉनिटरों की जीवन प्रत्याशा परिस्थितियों के आधार पर 11 से 25 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। जंगली में ये काफी कम है। एशियाई जल मॉनिटर भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, चीनी गुआनशी और हैनान प्रांतों, मलेशिया, सिंगापुर से लेकर सुमात्रा, जावा, बाली, बोर्नियो और सुलावेसी के सुंदा द्वीपों तक व्यापक रूप से वितरित किया जाता है। यह मुख्य रूप से तराई के मीठे पानी और खारे आर्द्रभूमि में निवास करता है। इसे 1800 मीटर यानी 5900 फीट की ऊंचाई तक दर्ज किया गया है। एशियाई जल मॉनिटर अर्धजलीय और अवसरवादी है। यह विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक आवासों में निवास करता है, हालांकि मुख्य रूप से प्राथमिक जंगलों और मैंग्रोव दलदलों में रहता है। ये देखा गया है कि इसे मानवीय अशांति वाले क्षेत्रों में रहने से कोई परहेज नहीं है। वास्तव में ये कृषि क्षेत्रों के साथ साथ नहर प्रणाली वाले शहरों जैसे कि श्रीलंका में अनुकूलित और पनपने के लिए जाना जाता है, जहां उनका शिकार या उत्पीड़न नहीं किया जाता है। जिन आवासों को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है वे हैं मैंग्रोव वनस्पति दलदल, आर्द्रभूमि और 1000 मीटर से नीचे की ऊंचाई जो कि 3300 फीट है। ये प्राकृतिक वनस्पति और जलीय संसाधनों के व्यापक नुकसान वाले आवासों में नहीं पनपता है। मॉनिटर अपनी पूंछ, पंजे और जबड़े का उपयोग करके अपना बचाव करते हैं। वे उत्कृष्ट तैराक हैं, पानी में तैरने के लिए अपनी पूंछ पर उभरे हुए पंख का उपयोग करते हैं। छोटी शिकार वस्तुओं का सामना करते समय वाटर मॉनिटर उसे अपने जबड़ों में दबा लेगा और उसकी गर्दन पर हिंसक तरीके से प्रहार करेगा, जिससे शिकार के अंग और रीढ़ नष्ट हो जाएंगे, जिससे वह मृत या अक्षम हो जाएगा। फिर छिपकली उसे पूरा निगलने के लिए आगे बढ़ेगी। प्रमुख रूप से जलीय आवासों में उनके अर्धजलीय व्यवहार को शिकारियों से सुरक्षा प्रदान करने वाला माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनके सामान्य आहार के साथ मिलकर यह उनकी पारिस्थितिक प्लास्टिसिटी में योगदान देता है। जब किंग कोबरा जैसे शिकारियों द्वारा शिकार किया जाता है तो वे अपने शक्तिशाली पैरों और पंजों का उपयोग करके पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। यदि यह चोरी खतरे से बचने के लिए पर्याप्त नहीं है तो उन्हें सुरक्षा के लिए पेड़ों से नदियों में कूदने के लिए भी जाना जाता है, जो हरे इगुआना के समान एक रणनीति है। मॉनिटर मांसाहारी होते हैं और शिकार की एक विस्तृत श्रृंखला को खा जाते हैं। वे मछली, मेंढक, कृंतक, पक्षी, केकड़े और सांप खाने के लिए जाने जाते हैं। उन्हें कछुओं के साथ साथ युवा मगरमच्छ और मगरमच्छ के अंडे खाने के लिए भी जाना जाता है। मॉनिटरों को एक स्तनधारी मांसाहारी की तरह कैटफिश खाते हुए देखा गया है। वे मांस के टुकड़ों को अपने सामने के पैरों से पकड़ते हुए अपने तेज दांतों से फाड़ देते हैं और फिर क्रमिक उपभोग के लिए मछली के विभिन्न हिस्सों को अलग कर देते हैं।